योग और योग के द्वारा हम श्वास की बीमारी, अस्थमा का रोग, ब्रोंकल अस्थमा, साइनसाइटिस, एलर्जिक प्रॉब्लम्स, एलर्जिक राइनाइटिस, ये दमा की बीमारी, आयुर्वेद में वात पित्त और कफ इन तीन दोषों की ही चिकित्सा है। और प्राणायाम के द्वारा वात पित्त कफ का जितना ठीक से बैलेंस हो सकता उतना किसी दवा से नहीं हो सकता। आज हम आपको अस्थमा, दमा, श्वास का रोग और योग के द्वारा उसकी चिकित्सा, इसके संबंध में परिज्ञान देंगे। सबसे पहले प्राणायाम, क्योंकि श्वास का, दमा का, अस्थमा का, ब्रोंकाइटिस का, साइनसाइटिस का, नाक के अंदर हड्डी बढ़ गई, कफ जमा हो गया, नजला पुराना हो गया, इसका जितना प्रभावी उपाय प्राणायाम हो सकता उतना कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले हम प्राणायाम कराएंगे। सबसे पहले हम अब प्राणायाम की प्रक्रियाओं को प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका से, क्योंकि भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और श्वासों के साथ, प्राणों के साथ प्राणों की आराधना, ये इतना प्राणायाम तो हम जरूर कराते हैं। दमा, जिसके बारे में अभी तक यही सुनता आया था इंसान के दमा दम के साथ ही मिटता है, वो मैं कहता हूँ दमा एकदम ठीक हो जाता है और उसको ठीक करता है प्राणायाम। और प्राणायाम की प्रक्रिया में सबसे पहले भस्त्रिका, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, वायु मुद्रा में, किसी भी मुद्रा विशेष में घुटनों पर, श्वास भीतर गहरा भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। दमा के रोगियों के लिए खास, वो बहुत जोर से नहीं करें। यदि दमा का रोगी प्राणायाम को जोर से करेगा यूं तो उसकी श्वास की प्रॉब्लम बढ़ सकती। यदि जोर जोर से झटका मार के किया तो श्वास की प्रॉब्लम बढ़ेगी, इसलिए ध्यान रखें। जिनको अस्थमा है, श्वास की प्रॉब्लम है, वो धीमी गति से प्राणायाम करें। कैसे? लंबा गहरा श्वास यूं फेफड़ों में भरे, धीरे धीरे श्वासों को यूं भरना, छोड़ दे। लंबा गहरा श्वास ले, श्वास आज इंसान भरता ही नहीं कर रहा, इसलिए तो बीमार हो गया। यूं भरना और यूं छोड़ देना। हमारे लंग में पूरा श्वास जा ही नहीं पाता साधारण ब्रीदिंग से, नॉर्मल ब्रीदिंग से, इसलिए श्वास भीतर गहरा भरना, यूं भरना और बाहर छोड़ना। ये भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत आदि समस्त प्राणायाम हम करेंगे। इनसे अस्थमा तो ठीक होगा और साथ में आपको कोई दूसरी भी प्रॉब्लम है, माना कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बहुत रहता है, डिप्रेशन है आपको, नींद नहीं आती है, या और भी दूसरा कोई भी रोग है, आपकी सारी व्याधियां इन्हीं प्राणायामों के अभ्यास से मिटेंगी। परंतु आपको, क्योंकि यदि अस्थमा है तो अस्थमा के ऊपर आप ज्यादा अपने आप को कंसंट्रेट करना, मन श्वास भीतर गहरा भरते हुए मन में विचार करना, मेरे फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं, मेरे फेफड़ों में शुद्ध प्राण का संचरण हो रहा है और जो भी भीतर विकार है सब दूर हो रहा है। श्वासों को भीतर गहरा भरना और बाहर छोड़ना, ये प्राणायाम अस्थमा वाले 5 मिनट कर सकते हैं। एक नॉर्मल पेशेंट को हम 2 मिनट लगभग करने के लिए बोलते हैं, या स्वस्थ व्यक्ति को 2 मिनट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन अस्थमा वाले इसको 5 मिनट कर सकते हैं। बस धीरे धीरे यूं लेना, अस्थमा वाले पेशेंटों के लिए खास बात, वो बहुत तेजी से नहीं करें और जब दम फूलने लगे, श्वास बहुत तेज चलने लगे तो धीरे कर देना आप। और अब करते हैं हम कपालभाति प्राणायाम, अस्थमा के लिए विशेष, लंग को स्वस्थ बनाने के लिए।
और कफादि जो संचित है दोष भीतर उनको मिटाने के लिए। कपालभाति प्राणायाम श्वासों को बाहर छोड़ना। श्वासों को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया कपालभाति प्राणायाम, इसको पहले दिन आप करते हैं तो 30 बार कर पाते हैं, एक बार में 30 बार, माने आप 30 बार करेंगे तो शायद थक जाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा, एक मिनट में आप 60 बार कर पाएंगे, और आप फिर एक मिनट लगातार करके रुक जाएं, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाए फिर वैसे वैसे इसका टाइमिंग आप बढ़ाते जाए। ये कपालभाति प्राणायाम अस्थमा के रोगियों को 5 मिनट से प्रारंभ करके 15 मिनट तक करना है। अस्थमा मिटेगा, श्वास का रोग मिटेगा, ये दमा अस्थमा पूरी तरह से 100% क्योर होगा, लेकिन जितनी देर हम जिस प्राणायाम को करने के लिए बोल रहे हैं उतनी ही देर उस प्राणायाम को करना है। इस तरह से श्वासों को बाहर छोड़ते हुए ये कपालभाति प्राणायाम आपको करना है अस्थमा के लिए 15 मिनट। ये कपालभाति श्वासों को बाहर छोड़ना, श्वासों को बाहर छोड़े, और श्वासों को बाहर छोड़ने से फेफड़ों की अपने आप एक एक्सरसाइज होती है, और जो संचित कफ आदि दोष होते हैं वो अपने आप बाहर निकल जाते हैं, ना कि हड्डी बढ़ी हुई अपने आप ठीक हो जाएगी, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा आपको। नाक के अंदर हड्डी बढ़ी हुई है, मांस बढ़ा हुआ है, यहाँ कफ जमा हुआ है, बहुत पुराने से पुराना नजला है, आंखों की ज्योति प्रभावित हो गई है, कान से सुनाई कम देने लगा है, इन सारी समस्याओं में लाभ होगा आपको प्राणायाम से। ये प्राणायाम अस्थमा को परमानेंट क्योर कर देते, लेकिन साथ में थोड़ा खान पान का भी ध्यान रखना, ठंडी चीजों से परहेज करना, पानी भी गर्म पीना, बहुत ज्यादा अस्थमा है तो पानी भी गर्म पीना चाहिए, और यदि सौंठ वाला पानी पिए तो और ज्यादा अच्छा है, सौंठ और तुलसी का पानी पीना। दही बंद कर देना, रात को तो दही खाना नहीं, दिन में भी नहीं खाना, दूध पीना, और दूध में भी हल्दी और सौंठ डाल करके पीना, अकेला दूध भी कफ करता है, थोड़ा दूध में हल्दी सौंठ और तुलसी डाल करके लें तो वो दवाई हो जाएगी आपकी, अन्यथा दूध भी नुकसान करता है अस्थमा में। च्यवनप्राश के साथ बस इतना जरूर करना, दूध नहीं पीना, च्यवनप्राश के आधा घंटा 15-20 मिनट बाद दूध पीना, और दूध में हल्दी और सौंठ डाल करके पीना, खास बात। फिर ठंडी चीजों से बचना, कोल्ड ड्रिंक से बचना, आइसक्रीम से बचना, क्योंकि यह अस्थमा के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए आप गर्म पानी का उपयोग करें, खाने के बाद भी एक घंटे बाद पानी पिए, वो भी गर्म पिए तो अच्छा है, सुबह उठ करके भी तो ब्रह्म मुहूर्त में शपान करते हैं वो भी गर्म ही पिए, इतना ध्यान रखें। फिर प्राणायाम करें, बाह्य प्राणायाम करें, कपालभाति के बाद श्वास को अंदर भरना, बाहर छोड़ देना, बाहर छोड़ करके 3 बंद लगाना, ठोड़ी को कंठकूप में, पीठ को सिकोड़ के पीठ से लगा देना उड़ियान बंद, और नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना मूल बंद, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम ऐसे होगा। ऐसे ही बाह्य प्राणायाम 3-5 बार कर लेना, और ना हो सके बाह्य प्राणायाम, माना कि आपके श्वास आप रोक ही नहीं पाते हैं, इतनी देर श्वास रोकेंगे तो दम फूलने लगेगा, तो आप अग्निसार कर सकते हैं इसकी जगह, फिर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से लेफ्ट को बीच की दो उंगलियों से बंद करना, बाएं से पूरा भीतर भरना, फिर दाएं से बाहर छोड़ना, और दाएं से भर करके बाएं से बाहर छोड़ना। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से नाक के अंदर बढ़ा हुआ मांस और ये यहाँ जमा हुआ कफ माथे में
फेफड़ों में जमा हुआ कफ, ये सब अपने आप दूर हो जाएगा धीरे धीरे, पूरे शरीर का शोधन हो जाएगा अनुलोम विलोम प्राणायाम से। बाएं से प्रारंभ करते हैं हमेशा, बाएं से भरा और दाएं से बोरा बाहर, फिर दाएं से लेना, लंबा लेना, लंबा छोड़ना, डायफ्राम तक, फेफड़ों में गहरा सांस भरना, फेफड़ों में, छाती में सांस भरना, पेट में नहीं भरना, बस इतना ध्यान देना, अस्थमा की प्रॉब्लम मिट जाएगी। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना, आप एक मिनट ही करेंगे अनुलोम विलोम तो थक जाएंगे, फिर रुक जाना, फिर रुक जाना, इस तरह से रुक रुक के करना।